जी जी, हमारा पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है जी। ठीक है, आपको जैसे ही राश निकालनी होगा हमें, वैसे निकालने के लिए हम तैयार। मध्य प्रदेश में अभी भी जाति कुप्रथा जारी है। ताजा मामला छतरपुर के चौराई गांव से सामने आया है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दलित की गांव में बारात निकल रही थी। दूल्हा घोड़े पर सवार होकर निकला तो वहां मौजूद दबंगों ने दूल्हे और घोड़े पर पत्थर फेंकना चालू कर दिए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना को लेकर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बड़ा मलहरा SDOP सहित थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारी ने दूल्हे से कहा कि आप जहां से चाहे अपनी राश निकाल सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे जी जी, हमारा पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है जी। ठीक है, आपको जैसे ही राश निकालनी होगा हमें, वैसे निकालने के लिए हम तैयार हैं। दूल्हा जैसा बोलेगा, जहाँ से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से अपनी राश निकलवा सकता है। ठीक है, तुमसे फिर बोल रहा हूँ। पुलिस के आश्वासन के बाद दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, लेकिन पुलिस के सामने भी गांव के दबंग पत्थर फेंकते रहे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने दबंगों को वहां से हटाया। इस दौरान मौके पर बड़ा मलहरा SDOP शशांक जैन मौजूद रहे। पुलिस बल गांव में भेजा गया था, किंतु इसी दौरान दूसरे समुदाय ने कुछ पथराव कर दिया, जिसके बाद और पुलिस बल, जिसमें एडिशनल SP TI SDOP थे, इनको भेजा गया। बाद में मैं स्वयं भी मौके पर गया था, तो इसमें जो पथराव हुआ उसमें हमारे SDOP TI को कुछ पत्थर आके लगे, किंतु गांव में पुलिस और प्रशासन, ADM और SDM भी मौके पे आ गए थे। इनकी उपस्थिति में गांव के जो कार्यक्रम थे वो शांतिपूर्वक संपन्न हुए, और बारात जो थी वो शाहगढ़ क्षेत्र में जानी थी, वहां पर भी जाके और अभी शादी के कार्यक्रम पूरे संपन्न होकर गाँव में वापस लौट आई है। अभी शांति का माहौल है, परंतु जिन लोगों ने पथराव किया था और कुछ जो 4 पुलिस अधिकारियों को पत्थर आके लगे थे, उस पे से थाना बक्सवा में धारा 147, 148, 149, 353 IPC और अन्य सेक्शंस में FIR की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, जहां अपनी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर दोनों वर्ग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते दिखते हैं। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट MP तक।